हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नमन गोयल एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 4 ऑफ क्लास 7th सिंपल इक्वेशन। राइट, देखो सिंपल इक्वेशन बेसिकली हमने क्लास 6th में हमने एलजेब्रा नाम का टॉपिक पढ़ा था, एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमने उसमें देखा था। तो उसमें हमने थोड़ा बहुत आइडिया लिया था कि इक्वेशंस कैसे बनती हैं, उसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। राइट, अब देखो सिंपल इक्वेशन का बेसिक आइडिया कहाँ से आया कि कैसे हम इक्वेशन बनाते हैं, तो इसमें क्या लिखा हुआ है मैंने, अब माइंड रीडिंग गेम। माइंड रीडिंग गेम क्या होता है, जैसे मैंने मान लो आपसे बोला कि आप कोई भी एक नंबर चूज कर लो, ठीक है, फिर उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसमें आप 7 जोड़ दो, और जो भी आपका अगर जो भी फाइनल आंसर आया है वो अगर आप मेरे को बता दोगे तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपने कौन सा नंबर चूज़ किया था। मैं दोबारा बोलता हूँ, मैंने आपसे बोला कि आप कोई भी एक नंबर चूज कर लो, मेरे को मत बताना, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला कि यार आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फिर उसमें 5 या 7 कुछ भी 7 जोड़ दो, तो जो रिजल्ट आ रहा है फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है 7 जोड़ने के बाद, अगर आप मेरे को वो बता दोगे तो मैं आपको ये बता दूंगा कि आपने कौन सा नंबर चूज किया है। तो वो बेसिकली आइडिया किसका है, एक इक्वेशन का है, ऐसा कोई जादू नहीं है। क्या है वो, मैथमेटिक्स से सिंपल और इक्वेशन से वो निकलता है, ठीक है। तो वही चीज़ अपने को देखनी है। तो ये बेसिकली आइडिया कहाँ से आया, इस टाइप्स के गेम से। अच्छा, अब इक्वेशन बनता कैसे है, ठीक है, इक्वेशन बनता कैसे। देखो एक इक्वेशन में क्या होता है, वेरिएबल होता है, क्या होता है, वेरिएबल होता है, कुछ कॉन्स्टेंट होते हैं और इक्वल का साइन होता है, इक्वल साइन। तीन चीजों से इक्वेशन बनता है, वेरिएबल, कॉन्स्टेंट एंड इक्वल साइंस। राइट, वेरिएबल एक्स वाई है ना, ये सब ए बी अल्फाबेट जितने भी सब वेरिएबल की तरह यूज होते हैं। कॉन्स्टेंट हमें पता है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, -1, -2 एंड सो ऑन, ये सारे क्या है, कॉन्स्टेंट है। इक्वल, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है 4x + 5 = 60 लिखा है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 4x + 5 = 60। तो इसमें वेरिएबल है, कॉन्स्टेंट्स है और इक्वल का साइन है। तो ये सारी चीजें मिलके हमें क्या बनाती हैं, इक्वेशन बनाती हैं। राइट, तो ये हमारी क्या हो गई, एक इक्वेशन हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हमने जो चीज पढ़ रखी है उसका थोड़ा रिव्यू लेते हैं। सो रिव्यू ऑफ व्हाट वी नो, रिव्यू ऑफ व्हाट वी नो, हमें जो पता है हम उसका रिव्यू लेते हैं ना। एन इक्वेशन इज अ कंडीशन, देखो इक्वेशन क्या है, बेसिकली एक कंडीशन है वेरिएबल के ऊपर, तो अपन क्या बोलते हैं, एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल, वेरिएबल पे कंडीशन है इक्वेशन, ठीक है ये। अब व्हाट इक्वेशन इज, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, व्हाट इक्वेशन इज, कि हम कैसे इक्वेशन को बना सकते हैं। तो हम कुछ एक क्वेश्चन करेंगे और उससे हम ये सीखेंगे कि अपन इक्वेशन को कैसे फॉर्म कर सकते हैं। राइट, तो करते हैं, राइट डाउन, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन दी फॉर्म ऑफ इक्वेशन। मैं आपके सामने कुछ एक स्टेटमेंट लिखूंगा, आपको उन स्टेटमेंट को इक्वेशन में लिखना है, ठीक है। तो मिलके लिखेंगे, मैं लिखूंगा, आप देखना। सो पहला है द सम ऑफ 3 times x and 11 is 32। सम ऑफ 3 times x and 11 is 32। तो इसमें क्या बोल रहा है ये, कि एक नंबर है उसका 3 times का सम, एक x एक नंबर है उसका 3 times + 11, आंसर कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, 3x + 11 = 32। ये आएगा कि नहीं आएगा, यही आएगा इक्वेशन, यही आएगा इक्वेशन, 3x + 11 = 32। देखो ये लिखा हुआ है सम ऑफ 3 times x + 11 is 32, मतलब
एक्स का 3 टाइम्स एंड 11 का सम कितना आ रहा है, 32 आ रहा है, राइट। तो ऐसे ही और अपने को बनानी है, बनाते हैं। राइट डाउन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज व्हाट, इफ यू सब्ट्रैक्ट, सेकंड इज इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर यू गेट 7, यू गेट 7। ये कह रहा है इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम अ 6 टाइम ऑफ अ नंबर, एक नंबर के 6 टाइम में से अगर आप 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। तो मैंने मान लिया कि लेट द नंबर बी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या कह रहा है, 6 टाइम ऑफ अ नंबर 6x माइनस 5, आंसर इज व्हाट, 7। तो ये क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया, सही बात है। अगला देखो, थर्ड इज 1/4 ऑफ एम इज 3 मोर देन 7, मोर देन 7, ठीक है। किसी भी नंबर का 1/4 एम, एक नंबर एम है उसका 1/4 7 से 3 ज्यादा है, तो अगर m by 4 में से 3, m by 4 में से अगर मैं 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 7 आएगा कि नहीं आएगा। देखो m by 4 7 से 3 ज्यादा है, तो m by 4 को 7 के बराबर करने के लिए मैंने 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये ऐसा आ गया। कर लेंगे। और क्वेश्चन करते हैं, राइट डाउन द नेक्स्ट वन, राइट डाउन द नेक्स्ट वन। 1/3 ऑफ अ नंबर प्लस 5 इज 8, फोर्थ इज व्हाट, 1/3 ऑफ अ नंबर प्लस 5 इज 8। तो किसी भी नंबर का 1/3 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो आंसर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो नंबर x मान लिया, तो x by 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, क्लियर है, ऐसा ही आएगा, सही बात है। तो ये हमने क्या सीखा, देखो अभी हमने क्या सीखा है कि अगर हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, सॉरी स्टेटमेंट है, उससे हमने इक्वेशन बनाना सीख लिया, राइट। अब अपन क्या देखेंगे कि हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, स्टेटमेंट लिखते हैं। तो क्वेश्चन है कन्वर्ट इक्वेशन टू स्टेटमेंट, कैसे करेंगे। जैसे मान लो पहला दिया हुआ है ये x माइनस 5 इज इक्वल टू 9, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, अ नंबर इज 5 ग्रेटर देन 9, क्या बोलेंगे इसको, अ नंबर इज 5 ग्रेटर देन 9, सही बात है, क्योंकि अगर x 9 से 5 बड़ा है ना, तब ये ऐसा आया होगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 9। इसको ऐसे ही बोल सकते थे, इफ सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम अ नंबर गेट 9, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, बहुत तरीके से अपन इसको बोल सकते हैं, राइट। अगला है 5p इज इक्वल टू 20, तो इसको क्या बोलेंगे, 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज 20, क्या बोलेंगे इसको, 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज 20, ठीक बात, ऐसा। अगला लिखते हैं, नेक्स्ट इज, राइट डाउन द नेक्स्ट वन इज, क्वेश्चन लिखो, राजूज फादर्स एज इज 5 ईयर मोर देन 3 टाइम्स राजूज एयर एज,
ठीक है, एंड राजू फादर इज 44 ईयर ओल्ड, एंड राजूज फादर इज 44 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो सेटअप एन इक्वेशन टू फाइंड राजूज एज, सेटअप एन इक्वेशन टू फाइंड राजूज एज। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो जिसका एज हमें निकालना है उसको अपन ने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो हमने बोला कि लेट राजूज एज इज एक्स ईयर्स। ठीक है, अब क्या बोल रखा है, राजूज फादर एज इज 5 ईयर मोर देन 3 टाइम्स राजूज एज। तो राजू के फादर की एज राजू के 3 गुना एज से भी 5 ज्यादा है। तो राजू के फादर से एज कितनी हो जाएगी, 3x+5। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ये। अच्छा, ये चीज हमें किसके बराबर दी हुई है, 44 के बराबर दी हुई है। तो इक्वेशन क्या आ गया हमारे पास, 3x+5=44। तो हमने ऐसे इक्वेशन को बनाना सीख लिया कि कैसे हम इक्वेशन को बना सकते हैं, राइट। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में अपन ये सीखेंगे कि इक्वेशन को अपन सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो जब तक के लिए पढ़ते रहे एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।